वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड सब अपने अपने घर पे सेफ होंगे। सो गाइस, फिलहाल अभी मैं जा रहा हूँ अपनी बुआ के घर पे और अपनी बहन के घर पे सीधा देने। आप लोगों को मैंने बताया था ये क्या होता है हमारे में, ये क्या होता है राधिका? तीज। तीज 31 तारीख की है ना? 31 तारीख की तीज है। तो वो तीज पे जितनी भी सिस्टर होती है, जैसे पापा की सिस्टर हो गई, दादा की सिस्टर और जो हमारी सिस्टर होती है, उनके घर पे सामान जाता है। तो अभी हम वही लेके जा रहे हैं, मैं जा रहा हूँ, साथ जा रहे हैं। और अभी वही टाइम तो हो गया है ज़्यादा, बहुत क्या हो गया राधिका? 11:50 लाइक शॉपिंग। किस चीज़ की? लिपस्टिक की शॉपिंग। अरे यही काम है तेरा है? विंटर शॉपिंग हो रही है बस। विंटर में लिपस्टिक है? अरे विंटर शॉपिंग। अच्छा अच्छा विंटर, मुझे लगा विंटर। अच्छा मैं जा रहा हूँ, ठीक है ना? फिर कहते हैं चल रही है नैन्सी। नैन्सी 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 हाँ बताओ। और टाइम हो गया, क्या टाइम हो गया? 12 बजने वाले। और बस फटाफट निकल रहे, चाची पता नहीं क्या सामान दे रही हैं, वो सामान लेके फिर चलते हैं। जाऊँ मैं? चलो ओके बाय बाय। ओके बाय बाय बाय, ठीक है ना? ठीक है। अच्छा ये सामान, ये देखो भाई, अभी जस्ट जैसे मैंने काम देखा वैसे मैंने अपना कैमरा ऑन किया और वीडियो स्टार्ट की। ये रोड जो मोतीबाग में बना रखा है भाई, मैं तो फैन हो गया। इस साइड भी देखो ये कैसे पिलर्स पे, और यहाँ मतलब जो आदमी घूमने आएगा, जो आदमी वॉकिंग करने आएगा ना, उसको अलग ही मजा आ जाएगा। अभी हम जा रहे थे, मैंने बताया था आप लोगों को हम जा रहे हैं सीधा देने। और ये देखो अगर पूरी दिल्ली के ऐसे रोड हो जाए, हाँ तो फिर तो मजा ही आ जाना है भाई साहब। मतलब चलने में क्या मजा आएगा, गाड़ी चलाने में क्या मजा आएगा भाई? थोड़ा टाइम लगेगा, टाइम लगेगा ये देखने। इधर भी पता है, अगर मैं सिर्फ इतना पार्ट दिखा दूं वीडियो में तो कोई कह नहीं सकता है मोतीबाग है। अगर मैं सिर्फ ये दिखा दूं इस साइड का, तो सच में यार एकदम वैसे इतना ज्यादा वो ना था कि हो ना, साइड में जो रोड है फुटपाथ हो गए उस पर लोग बाग भी है ना, कि लोग बागों का पहली बात तो चलने का मन नहीं करता था, टूटे हुए होते थे, कचरा होता था, गंदगी इतनी होती थी, लोग बाग सोचते थे कि क्या जाना, इसलिए लोग बाग रोड पे चलते थे क्योंकि रोड थोड़े साफ रहते थे। लेकिन अब भाई फुटपाथ साफ करती है तो लोग बाग, यहाँ भी काम चल रहा है, इधर भी काम चल रहा है, दिखाओ। तो गाइस अभी हम रुके हैं जरा, क्योंकि हमें लेनी है हल्दीराम से मिठाइयाँ, क्योंकि जहाँ हम जा रहे हैं जैसे वहाँ पे मिठाई भी देनी जरूरी है, कपड़ों के साथ साथ जो भी मतलब चीज़ें होती हैं, ऐसे छोटी मोटी चीज़ें होती हैं, उनके साथ साथ मिठाई भी ज़रूरी है। तो अभी जा रहे हैं हल्दीराम और एक बार ले लेते हैं मिठाई और फिर यहाँ से चले जाएंगे। अभी फिलहाल अभी हम हैं रजौरी गार्डन, तो ले लेते फटाफट लेते हैं। तो देखो ये है घेवर, तो इस बार तीज में हम घेवर लेके जाते, तो फिलहाल हमने घेवर करवाया है और यहाँ पर काफ़ी सारी मिठाइयाँ भी है। घेवर और दूसरा क्या था? तो बालूशाही। बालूशाही अभी लेके आते हैं भैया, फटाफट पैक करवाते हैं। हमारा मन क्या क्यों हम डोसा खा लें, लंच तो हमने किया नहीं था, तो अभी हमने करवाया है 2 प्लेट मसाला डोसा। मज़ा अच्छा लगता है आपको यहाँ का मसाला डोसा? यहाँ का अच्छा लगता है या मतलब कोई और? बेस्ट यहाँ का बेस्ट लगता है आपको? इसके बाद सोच रहे हैं एक लस्सी भी पी ली जाए, है ना? तो पे हो जाएगा। हाँ तो फिर फटाफट मसाला डोसा ख़त्म करते हैं। और ऑर्डर हमने दे दिया था अपनी मिठाई जितनी भी स्वीट्स थी वो सारी सारी पैक हो गई हैं, फटाफट डोसा फिनिश करते हैं। सो गाइस ये गाड़ी देखो, टोयोटा वेलफायर, मतलब क्या गाड़ी है। और बारिश आ गई, मतलब इस गाड़ी का आते बारिश भी आ गई। अच्छा आपको गाड़ी पसंद है ना, सच बताना? बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा। देखना पीछे से क्या लुक है, टोयोटा की है और मतलब इतनी लंबी है, और अंदर से मैंने इसका इंटीरियर देखा है, मैंने उसमें वीडियोस में यूट्यूब पे मैंने चेक किया है भाई, सच में बहुत ज़्यादा तगड़ी है। और इसका प्राइस अराउंड जो मुझे सुना है, मैंने चाचा ने सुना है, वो अराउंड 1 करोड़ है। लेकिन वैल्यू भाई, अगर 1 करोड़ में ये गाड़ी मिल रही है ना, हाँ ब्रांड है। और अंदर से जो मैंने देखी है, देखो क्या लिखा हुआ वेलफेयर के नीचे, एग्जीक्यूटिव लॉन्च। मतलब आप खुद ही सोच लो, जब गाड़ी के अंदर, एक गाड़ी के अंदर लॉन्च होगा तो क्या होगी अंदर से। ऐसी ऐसी गाड़ियाँ भी हैं और मतलब लॉन्च ही बना दिया गाड़ी को भाई, मज़ा आ जाएगा अगर ऐसी गाड़ी। ज़्यादा कभी कभार तो मन करता है कि हम भी ले लें ना, लेकिन एक टाइम आएगा पक्का लेंगे, जब अपना टाइम होगा हम ज़रूर लेंगे। जब आपकी, हाँ जब जब आप लोगों का सपोर्ट अगर ऐसे ही रहा मेरे साथ, जैसे मैं अभी बाइक भी लेके आया हूँ, चलो अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा अच्छा, तो आपका सपोर्ट रहेगा तो मैं एक दिन गाड़ी भी ले जाऊंगा। जैसे आज बाइक लेके आया हूँ मैं आपके सपोर्ट की वजह से, वैसे गाड़ी भी एक दिन पे। बस आप लोग सपोर्ट करते रहो, वीडियोस देखते रहो, शेयर करते रहो, लाइक करते रहो, कमेंट करते रहो, और सब्सक्राइब जिन्होंने नहीं किया वो सब्सक्राइब करते रहें, तो भाई एक दिन मेरी भी तरक्की होगी। लेकिन उस चीज़ का तो थैंक यू मैं बोलूँगा आप लोगों को बोलूँगा, मेरी मेहनत है लेकिन आप लोगों का सपोर्ट है वो बहुत बड़ी चीज़ है, तो वो रहेगी तो बहुत अच्छा रहेगा मेरे लिए। बाकी भाई बारिश आ गई है और हम अभी पहुँचने वाले हैं। और हाँ ये देखो मिठाइयाँ ले ली हमने, पीछे रखी है
काफ़ी सारी ले ली हैं। अब फटाफट पहुँच रहे हैं, मौसम अच्छा हो गया। चलो A few inches later. So guys, अभी मैं जा रहा हूँ बुआ के घर पे, सामान ले लिया, गाड़ी पीछे ही खड़ी कर दी थी भाई क्योंकि यहाँ गाड़ी आएगी नहीं, तो एक बार बुआ को सामान दे देते हैं ये, और उसके बाद भी फिलहाल मैं हूँ मंडका में। हाँ, बुआ को सामान देने के बाद फटाफट वहाँ बैठूँगा 2-4-5 मिनट और फिर चलूँगा आगे क्योंकि बहुत जगह जाना है आज। ये देखो ये बंदर बैठे इधर, ये देखो भाई देखने में कितना अच्छा लग रहा है ना ये, सच्ची में जरूर हम अपडेट दिल्ली। हाँ जरूर लग रहा होगा, बट ऐसा नहीं है, मैं प्रूफ दिखाता हूँ दिल्ली में होने का। ये देख लो भाई, अब दिल्ली के किसी कोने में चले जाओ, कहीं चले जाओ, यहाँ देख लो कितनी शांति, कितना सही, और पीछे देख लो कितना ट्रैफिक है भाई। आगे तक ट्रैफिक है, हमें 15 मिनट हो गए, मतलब दिल्ली के आप किसी कोने चले जाओ अगर आपको ट्रैफिक नहीं मिला तो मतलब आप ये लगा लो कि दिल्ली में हो ही नहीं। अच्छा हर जगह मिलना ही मिलना है, मतलब अगर दिल्ली में हो तो जाम में रहना पड़ेगा। अरे यहाँ से निकलने में इतना टाइम लग गया, ये तो जब हालत है जब फाटक खुली हुई थी, और जब फाटक बंद होती है ना तो इतना लंबा जाम लग जाता है इस रोड पे, है ना, लगा लगा खुली हुई है जब, ऐसा हाल है भाई, क्या ही करें, कुछ नहीं कर सकते। वैसे ये व्यूअर्स भी बात तो ये समझे होंगे क्या कि शायद ये आउट ऑफ दिल्ली है, भाई सोच रहे होंगे कि ये बुआ के तो गए थे और ये अब चले गए बाहर कहीं, है ना, लगा तो होगा देख के कि भाई ये तो चलो घूमने चले गए, बट नहीं ऐसा नहीं है, घूमने जाएंगे, जल्दी जाने वाला हूँ मैं आप लोगों को, मैं घर जाके बताऊंगा यार, थोड़ी देर में बताऊंगा जो भी प्लान है हमारा घूमने का, एक टूर विद फैमिली भी बनेगा जल्दी, फैमिली बनेगा जी, तो मेरे लिए सरप्राइज था, चाचा आजकल बहुत सरप्राइज देने लगे, मुझे खुद बताते हैं बाद में। तो ये फिलहाल यहाँ से निकले, उसके बाद फिर आपसे डिस्कस भी करेंगे टूर के बारे में, एक विद फैमिली, एक विद फ्रेंड्स, और फिर एक विद सोलो भी मार लेंगे। अब तो अभी मैं जा रहा हूँ बहन के घर पे, चाचा उतर गए हैं अभी बुआ के घर पे, तो चाचा ने बोला कि चल तू वहाँ पे होके आ जा, फिर जब वहाँ से आएगा, जब मतलब मैं वहाँ से जब आऊँगा जब चाचा मिल जाएंगे मुझे, तो फिलहाल मैं फटाफट जा रहा हूँ और वहाँ से होके आ रहा हूँ, और अभी टाइम हो चुका है भाई 4:15, यहाँ से मुझे पहुँचने में अराउंड मेरे हिसाब से 10-12 मिनट और लग जाएगा मुझे जहाँ जाना है, तो जल्दी पहुँच जाते हैं और फिर वहाँ पे अपना काम वाम करके फिर वापस आएंगे, इधर आऊँगा वापस और फिर यहाँ से मैं और चाचा जाएंगे घर पे। तो भाई साहब यहाँ चल रही है कंस्ट्रक्शन, ये एक्चुअली दिल्ली का बॉर्डर है, सिंघू बॉर्डर, और यहाँ पे मैं इतनी देर से ट्रैफिक में हूँ, सच में आप लोग मान नहीं सकते, इतनी देर होगी मुझे, देख लो आप लोग टाइम खुद ही देख लो टाइम क्या हो रहा है, और मतलब से इधर ट्रैफिक में ही यार निकल ही नहीं पा रहे हैं, बस ऐसे धीरे धीरे गाड़ियाँ चल रही हैं, और वो तो अभी चल गई वरना तो रुकी ही हुई थी, खड़ी हुई थी, पता नहीं यार क्या रहेगा, कब तक पहुँचेंगे यार। वैसे ये बॉर्डर क्रॉस करते ही है मेरी बहन का घर, ज़्यादा दूर है नहीं, लेकिन बट फिर भी यार ट्रैफिक में आदमी परेशान हो जाता है। देखो ना एक काम चल रहा है इधर बॉर्डर पे काफ़ी टाइम से, इसी चीज़ का ट्रैफिक है ये, पहले भाई इनको भी जाने दो भाई, ये आंटी तो पता नहीं कब उतरेंगे, इतने दो और कोई गाड़ी आ जाएगी बीच में। One eternity later. चलो भाई फाइनली पहुँच गए हैं, और अब यहाँ से तो 1 मिनट का भी रास्ता नहीं है, बस आगे से राइट लेते ही आ जाएगा सिस्टर का घर, और अब जल्दी जा रहे हैं यहाँ से, तो मेरे को जल्दी ही फ्री होना पड़ेगा क्योंकि वैसे मैं लेट हो गया हूँ ट्रैफिक में था, तो यहाँ से जल्दी से निकल के, इस बार मैंने सोचा इस बार मैं अंदर से जाऊँगा रास्ता जो है यहाँ पे, बाहर मेन रोड से मैं नहीं आऊँगा, वरना यहाँ ट्रैफिक मैंने देखा था दूसरी साइड अभी भी ट्रैफिक था, जैसे यहाँ से बस राइट लेते ही अपना काम करके इस बार अंदर से जाऊँगा, अंदर थोड़ी भीड़ होती है मतलब, लेकिन ट्रैफिक नहीं होता जैसे ट्रैफिक इधर था ना, वैसे ट्रैफिक नहीं होता उधर अंदर की तरफ, इस वजह अंदर से जाना काफ़ी ज़्यादा सही रहेगा मेरा डिसीजन। हेलो करो, चलो हेलो करो। ये कौन है, वो कौन लेटा हुआ उधर? क्या है? अच्छा, वो लेटा सीम। अच्छा अच्छा ठीक है, चलो हेलो करो सबको दोबारा। हेलो क्यान। क्यान आप देख नहीं पा रहे हैं? क्यान टाउ गाने सुन रहा है, वो गाने सुन रहा है, उसका फेवरेट गाना है। अच्छा फेवरेट गाना उसका। तो गाइस अब निकल चुके हैं और फिलहाल अभी चाचा यहीं पे आ रहे हैं क्योंकि कुछ एक सामान था जो उस टाइम गलती से चाचा ले गए, तो इस वजह से मैं आ गया हूँ बाहर, चाचा भी यहीं पे आ रहे हैं सामान लेके, उसके बाद भाई फिर वो सामान वापस अंदर देऊंगा, फिर हम चलेंगे घर पे, और फिलहाल टाइम हो चुका है 5:58, ऑलमोस्ट 6 ही बज ही गए भाई, 6 इसमें भी क्या है 6 बजने, अब मतलब वो आ जाएँ फिर सामान वो लेके अंदर दे के आऊँगा घर पे, उसके बाद फिर दोबारा बस गाड़ी में आ जाऊँगा फिर चलेंगे घर। सो गाइस अब हम निकल चुके हैं घर के लिए, सारा काम हो चुका है,
वहाँ से चाचा वापस आए थे, फिर मैंने सामान लेके दे दिया था घर पे। और अभी जीटी करनाल रोड पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक था, इसलिए हम अंदर से आ गए। चाचा को काफी खुफिया रास्ते पता है, यहाँ गए चाचा यहाँ हर जगह घूमे हुए, इसलिए चाचा को बहुत पता है रास्ते। तो अभी हम आए थे अंदर से आ गए, क्योंकि बाहर बहुत ट्रैफिक है। और अभी टाइम हो चुका 6:46, आप खुद सोच लो 6 बजे हम शायद निकले थे वहां से, और 1.5 घंटा हो गया मैं निकले हुए। बाकी यहाँ पे भाई ये है क्रिकेट ग्राउंड, काफी अच्छा। बस यहाँ तो काफी रोड देखो आप लोग, रोड बिल्कुल प्लेन, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, बहुत अच्छा रोड। तो अभी चाचा कौन से रास्ते से लेके जा रहे हो आप हमें? अच्छा वहाँ से डायरेक्ट, मतलब आप जीटी करनाल रोड पे नहीं निकलेंगे हम, है ना? अच्छा ये भी ठीक है, यहाँ अंदर से भी निकल जाओ, व्यूज भी मिलेंगे देखने को, खेती। अभी तो खैर घर आ गए, लेकिन जैसे पीछे आप लोगों ने देखा था क्रिकेट ग्राउंड भी था, वैसे खेत भी थे काफी अच्छी जगह। तो भैया अभी हमें यहाँ से घर जाएंगे डायरेक्ट, और कुछ खाने पीने रुकोगे या सीधा घर ही? देखते हैं अभी जो भी होगा। और सीधा हम घर जाते तो हमें यहाँ भी लग जाएगा, यहाँ से 1.25 घंटा लगेगा, है ना? हाँ 1.25 घंटा, मतलब 6:47, मतलब 8 बजे तक पहुँचेंगे घर पे। अगर डायरेक्ट जाते हैं घर पे बिना कहीं रुके तो 1.25 घंटा लगना ही है पहुँचने में। और बाकी ये खेतों का व्यू एंजॉय करते हुए जाएंगे, वहाँ तो खेत नहीं है अभी, इधर है इस साइड, ये व्यू एंजॉय करते हुए चलते रहेंगे अपने। One eternity later. भाई तो फाइनली पहुंच चुके हैं, मैं आ गया हूँ ऑफिस एंड चाचा चले गए हैं घर पे। तो अभी ऑफिस में आ गए थे, मैं थोड़ी देर बैठ के रेस्ट किया है, एंड भाई गया मेरा खाना खाने। सो अब भाई थक गए आज काफी सुबह से, हमने सोचा था कि आज जल्दी आ जाएंगे, बट नहीं आज भी हमें टाइम लगा काफी आने में, ट्रैफिक बहुत ज्यादा था इस वजह से हमें टाइम लग गया। कोई नहीं, बट ट्रैफिक भी आता रहता है। तो चलो गाइस, तो फिलहाल मैं इस ब्लॉग का करता हूँ एंड, यहीं पे आज के लिए इतना ही था। और आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और गाइस पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर कर दें। जिन्होंने शेयर नहीं करी ना आज तक वो शेयर करें, और जो शेयर करते हैं वो भी शेयर करें, प्लीज़ शेयर करें, काफ़ी अच्छा लगता है। और भाई जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलो गाइस अभी करता हूँ ब्लॉग को एंड, और मिलते हैं फिर आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में।